या फिर कुम्हार, ई एगो ऐसन वस्तु बाते जे माटी से बनावल जाला। और जब आप अपन हाथ के संगे है या वस्तु के बनावत हवा, एकरावे हमनी पॉटरी कला बोली ला सा। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते। आज हमनी बतियावब सा कुम्हार चाक माने कि पॉटरी कला के बारे में, पॉटरी कला से जुड़ल कौन कौन प्रकार की तकनीक बातें, और इस साथ साथ जब एक व्यक्ति पॉटरी कला करेला तो ओकर भीतरे में कौन प्रकार के अनुभूति या फिर भावना मिलेला, आज हमनी है सब जानब सा। जब बिल्कुल इबकत देखा था वजह हुनरबाज कार्यक्रम अभी के संगे, और हमनी के जो हुनरबाज बते ओकर नाम है वैदेही। आज ओकर संगे हमनी बतियाब सा। सबसे पहले नमस्ते वैदेही। नमस्ते। तो वैदेही हमनी के बतावा कि अभी कौन कक्षा में हुआ, कौन क्लास में हुआ? मैं अभी एनसी की तैयारी कर रही हूँ। एनसी की तैयारी करता हमने के हुनरबाज बहुत ही जवान बते, तो हमने के बतावा कि आप ई बखत कौन सी करत हुआ? मैं अभी पॉटरी सीख रही हूँ। हाँ, हमने के बतावा कि आप काहे पॉटरी आर्ट ही सीखत हुआ? आर्ट के बहुत तरह के, आर्ट के बहुत फॉर्म होते हैं, और इसमें मिट्टी से काम करना पड़ता है, और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और हमने के बतावा कि ये जो इबखत पॉटरी आउट करत हुआ कितना लेता हूँ, कितना समय लगेला है करे के? ये काफ़ी समय लेता है, 30 मिनट्स, 30 मिनट, कभी कभी 15 मिनट, कभी कभी घंटे घंटों लग जाते हैं। और हमने के बतावा कि है सीखे के आप कब कब आवेला, और कैसे आप है सब काम करे, तनी सन एक बारे में बतावा था। मैं यहाँ हर सप्ताह आती हूँ शनिवार को, और हमारे अध्यापक हमें सिखाते हैं ये, और हाँ हम सीखते रहते हैं, कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी नहीं होता है। हमने की बताओ वैदेही कि ये पॉटरी आर्ट जब आप सीखते हुआ कौन कौन तरह के जो जो चैलेंजेस बाते आप फेस कर रही ला? ये सूखता बहुत जल्दी से है, तो हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है ताकि मतलब अच्छा काम बने, और हाँ, और उसको बनाने में अगर टेक्निक नहीं जानेंगे तो कभी ठीक से नहीं बनेगा, तो टेक्निक सीखना पड़ता है, और वो काफ़ी मुश्किल हो। तो हैजा ई बात की पुष्टि हुआ था कि वैदेही एगो हुनरबाज और सीखता हैजा पर, और ये जो पॉटरी आर्ट बातें ओकर टेक्निक सीखे के चाहिए, जिनमें ठीक से है कमवा हो, अगर ओकर टेक्निक निमन से नहीं सीखबा तो है जो रूप बातें वो निमन से सुंदर तरीके से नहीं उभरी। जी बिल्कुल, हमनी के जन हुनरबाज वैदेही दुलवा के काम बन के तैयार हो गल बाते। वैदेही हमनी के बतावा कि हाई जन ई वक्त अभी एगो पॉटरी एगो पॉट कर ले हवा, तोरा कैसे बुझाता, कैसे महसूस हुआ था भीतरे से? संतुष्ट, खुश और अचीव। तो हमनी के बतावा कि ऐसन काम करे के कितना समय लगेला? 10-15 मिनट जब सीख लेते हैं ठीक से। ओके, हमने कि अब ये बतावा कि जितना जो लोग खासकर जो नौजवान है, जो लेका बाते आप भी नौजवान हुआ, कौन संदेश, कौन मिसाज सकबजा देवे सब लोगन के, खासकर पॉटरी आर्ट को लेकर? अगर आपको ये आर्ट अच्छा लगता है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि खूब इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, मतलब अच्छा लगी, मतलब एकदम मन गदगद हो जाए जब ऐसन प्रकार के औत कर बसा।
जी हाँ बिल्कुल, हुनरबाज बने के कोनो उम्र नहीं चाहिला, बकर आपके भीतर में हुनर और साथ ही साथ है हुनर के विकसित करे के एगो दिलचस्पी और एगो डेडिकेशन चाहिला। हमने के साथ वीला हवन उ रोजिल के रहेलन और रोजिल से निकल करके हाईजा उ आरटीआई में आकर के पॉटरी आर्ट सीखा। सबसे पहले नमस्ते वीला। नमस्ते अभी विला, हमने के ई बतावा कि अपन बारे में तनिसन एगो मतलब विस्तार के साथ बतावा कि आपके ह कहाँ रहेला कौन ची करेला। ओके, जो सी विला तामोचिराम, मैं बिता रोजिल। हम रोजिल रहिला आर 25 बरिस से बैंक में काम करनी। 25 ans la banque de développement. Et après, comme on retire, on pense penser qu'il m'a pas à faire. Et एकर बाद जब रिटायर हुईनी तो समाचार पत्र में पोट्री आर्ट के कोर्स से जुड़ल जानकारी प्राप्त करनी। हमरा पोट्री सिरामिक आर्ट करे के बहुत ही दिलचस्पी रहल, यही खातिर हम आरटीआई आईनी। Et bien accueilli par les personnes, les employés, et avec la monde commence faire poterie. Et mon boulot est à moi les samedis. Les Céline commence à faire pour l'accompagner moi tous les samedis. Les Céline commence à faire un cours qui a été même qui me donnait. C'était la guitare. Hamar swagat niman se hol tab ham pottery sikhe ke shuru karni. Hamar pati hamra RTI mein chhore ke kaam jab karlan ta u bhi sange sange ego course shuru karlan guitar ki. Sakab bole ab u niman se guitar bajawela. आर हम भी पॉटरी निमन से करीला। अब हमने के ई बतावा कि आप काहे पॉटरी आर्ट पर ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखावत हवा। Oui, poterie qu'on fait, comme nous professeur aussi, il est bien mettre l'emphase là. C'est il y a une harmonie entre la main, ou mind, et मामू मिथिला मामू आजुते उले के आउसी। हम पॉटरी कला सिखब जैसे हमर प्रोफेसर बोलेलन कि एगो सुकून मिलेला। हाय माटी आपके हाथ और दिमाग पर प्रभाव करेला। हम तो ई भी बोलब कि उ हमर दिल के छुएला, यही खातिर हमरा शांति मिलेला और तनाव भी दूर हो जाला। जे लोग हैजा अयन जा उ लोग भी पॉटरी आर्ट सीख के एगो कारोबार सकन जा शुरू करे। हम तो पॉटरी आर्ट सीखत हैं जिमे है वस्तु बना के छोटका छोटका भेंट के रूप में दूसर जना के सकब्जा देवे। अब जितना जन लोग है या कार्यक्रम दिखत वंजा कुन मिसाज कुन संदेश दिवा। Oui, ce qui me besoin adresse aux jeunes de même ben je peux dans mon âge aussi, à tout le monde même, même plus âgé aussi, c'est que si je te fais poterie, je pourrais différentes personnes. खासकर नौजवान आर सब उम्र के लोग के यही संदेश देवब कि जब आप पॉटरी आर्ट करब तो आप चिंता से दूर रहब आर सुकून मिली, हमेशा खुश रहब। जैसे कि बोली लस कि अगर आज समस्या बाटे तो काल ओकर समाधान मिल जाए। नौजवान के यही बोलब अगर नहीं जानत हुआ कहाँ जाए के तो आप आरटीआई आइए जा आर पॉटरी कला सीखे जा। French B, Vintage B, RTI, je trouvais cette même qui quantité loisirs et ici. Je vais sacrifier un samedi. On me dit, tout le monde peut sacrifier un samedi pour venir faire les pots et tous les loisirs qu'on offre ici. जी हाँ बिल्कुल, हैजा ई बात की पुष्टि हुआ था कि जब आप पॉटरी कला करत हवा तब भीतरे से एगो सुकून मिलेला, कहे कि आप अपन हाथ अपन दिल और अपन दिमाग है सब के कनेक्शन करके तब जा कर के पॉटरी कला होवेला। तो अब विला हमने के बतावा अभी कौन सी करत हवा। Maintenant, là, nous pouvons faire avant-dernier stage pour le final. अब हम अंतिम स्टेज से पहले जब ओवन में डाल देवब ता ऊ पोस्टलैन बन जाए। फिनी फिनालिसे सा। सब जन उन फिनी मेटलो फूड देने। ले अली विनेन पोस्टलैन। Maintenant, ça, là, nous pouvons faire la peinture. On peut faire la peinture. Là, il y a un masque. On a trouvé un masque que Monsieur Sukaram, sous la supervision, c'est parti dans l'île. Nous voulons qu'on fasse soin d'affaires. Professeur Rupen Sukaram, qui est très doué, mais il sait comment le battre. Au carbina, nous ne pouvons pas ne sécter. Ta e objewa ke hamni glazing kar deni sa, ab hamni ime rang chadhaob sa, tab phino se final product mile khatir hamni oven mein dalab sa. Le fou pour final. Pour final. Matlab haija matlab aisan kaam kare ke sakbaja devata.
हमरा हाँ ऐसा काम करे के उतना फासिल नहीं बाते काहे कि हाई जो काम बाते ओकर पाछे में ढेर टेक्निक सीखे के चाही और ओकरा भी पकाए के चाही। अब ऐसा काम पकावे के कैसे करबा अभी दिखब जा। जी हाँ बिल्कुल, हमनी के साथ विनीता बाते और आज ओकर संगे हमनी बतियाब सक है कि उ भी पॉटरी आर्ट की दुनिया में अपन भीतर के जो रचनात्मकता और कलात्मकता बाते ओकरा दिखावे के उ एकदम तैयार बाते। सबसे पहले नमस्ते विनीता। नमस्ते विनीता, हमनी के ई बतावा कि सबसे पहले विनीता के है अपन बारे में तनी सन बतियाव त। हमर नाम विनीता पुकन है, हम कालबास रहिला और हम एगो टूरिज्म एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं, हम टूरिज्म अथॉरिटी में काम करीला और हो जा हमार काम हम लिसेंस देवीला मतलब रेस्टोरेंट के बातों के लोटेल के हमनी हम ही रेस्टोरेंट हमनी लिसेंस देवीला। अब विनीता हमनी के बतावा कि आप टूरिज्म सेक्टर में हवा पर्यटन क्षेत्र में हवा तब हौजा से निकल करके काहे आप पॉटरी आर्ट सीखत हवा। जानेला हमार काम बहुत स्ट्रेसिंग बा, खाली हमर नहीं बहुत हमर लास्ट के जो नवन से बहुत कोई के बहुत स्ट्रेस बा आज के लावी में। आलोस जब हम सुन ली कि है कुआ हुआ था हम सोच ली काहे न आके हम है ज्वाइन करब क्योंकि है जो हमने के ओरिजिनल है जो क्ले है जब छुवल छुइब हो जो जैसे ठंडा रहेला मुझे लगेला कि सब जी लगेला कि सब स्ट्रेस निकल गल बा होवे खातिन हम सोचली काहे ना आके है कुआ स्वीप करब। काहे कि जो न ओजिल बाते जो क्ले बाते जब आप निमन से ओकर स्पर्श करबा और जब है पथरी औत करत हवा त है जैसे कि बोलनी एगो कोंतक रहेला हमनी के हृदय से हमनी के दिमाग में तब एगो ठंडक महसूस होवेला, जब ठंडक महसूस होवेला त सुकून भी महसूस होवेला। अब विनीता हमनी के ई बतावा कि है जा आवे के मतलब आपके जो काम बातें काफी मतलब हेक्टिक बातें तो कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट करेला हौजा से निकल करके हैजा आए के हैजा सीखे की। हम सामजी के नए काम करीला लंजी से वंद्रजी ले काम करीला सामजी के हम घरे रहीला और है कुआ खाली 3 घंटा के है। हाँ। तो फैसिलिटी फासिल है अपन काम होने मैनेज करके हैजा आवे के एगो फैसिलिटी है बस खाली 3 घंटा के 3 घंटा लगेला है कुआ करे के। तब जब 3 घंटा समाप्त तो हो जाला जब आप अब अपन घर जात हवा तो भीतरे में कैसे बुझाला पीसफुल बहुत शांति मिलेला। और मतलब तब जन आवत जन काम बाते निमन से होवेला। हाँ बहुत अच्छा से होवेला काहे कि जो स्ट्रेस रहल एक हफ्ता के स्ट्रेस है जा आके हम सब निकल जाला है। हाँ हम निकल जाला तब घरे जाके सब जस्ते अच्छा से अपन घर संभाले अपन काम संभाले सब कुछ अच्छा से होवेला। तब माने जैसे कि मोबाइल में जब हमनी बैटरी के रिचार्ज करीला सर। हाँ, तब जब पॉटरी आर्ट आ करके है जा रिचार्ज करीला होवे ऐसने होवेला रिचार्ज हो जाला तब अपन घर के काम अपन काम वे में जस्ती प्रोडक्टिव रहिला। हाँ माने कि ई बात की पुष्टि हुआ था कि जब आप पॉटरी कला करत हवा त आप अपन जन आवत काम बाते उ निमन से सक बजा करे और आप जस्ती प्रोडक्टिव रह बजा। अब हमने के बतावा विनीता अब कौन ची करबा। हम एगो टेक्निक बा ओकर ओकरा बोलिला से स्लैप टेक्निक okay. पॉटरी में एगो एंडेबन टेक्निक है तो हाउ में से डिफरेंस ऑफ सकब करे सकब एगो मग बनाए सकब वाजाफ्लेयर बनाए तो हाउ से एगो बताब एगो एगो कोलेक के कैसे हमने हाउ टेक्निक यूज करीला से। चला अब हमने देखब सा कि पॉटरी आर्ट के एगो टेक्निक जेकरा कोन ची बोलले हवा स्लैप टेक्निक। स्लैप टेक्निक देखा जा। जैसे कि देखा था वजह हमारे संगे चचा हवन चचा भी हमने संगे जिले हुए बा वो पटरी के क्लास स्वीव करा था वन तो चचा आज हमने हम थोड़ा बतलाव अब कि कैसे हमने इस्लाप टेक्निक के इस्तेमाल करके एक मक्स मक सकब से बनावे तो सबसे पहले आप थोड़ा अपन क्ले लेके उसका थोड़ा
अप्लाची करके चाहिए तब काहे अप्लाची करे ला से तब फैसिलिटे होय ओकरा इताले करके ओकरा बेले के चाहिए और ये देखबा हम ओकरा एक एगो लुगा पर रखले हैं काहे है लुगावा ए पोटा हां जब में कोले न होई नीचे में कुछ न दलबा त कोले हो जाए और इन्हें सब ओकरा उठावे और ये हम है के इस्तेमाल करत है काहे ए पोटा हां जब में ओकर लेपेसे पागे रही सगरो पसे गो मग रही तब मगवा ओकरा मेम लेपेसे रहे के चाहे सगरो ना होवे खातिर तब ओकरा हम लेके ओकरा बेले के चाहे जे चाचा भी देख बजा कि ओकर ओकर लिपिसे सगरो पागे बा तो हमने तब ओकरा काटे के चाहिए ओकरा एगो रेक्टेंगल में काटब से काट देली से तो है एगो टेम्पलेट है जो उनके सेवी करके तब है मगवा ऐसे रों रही ऐसने रही है के लेके ओकरा और अंगूले करके चाहिए देखा था वह कितना फासिल है निकाले के क्लेवा तब ओकरा ऐसे लेके ओकरा अंगूले कर अब सा ओकरा खूब टाइट करके ऐसे करके उकरा उकरा ऐसे बुले कर अब सा अब जब देख ले ली सा उकर घोसे या सब अच्छा बा तब उकरा काट के उकरा मिम घोसे कर अब सा है जा देखा है जा पर उकरा मिम घोसे कर के चाहे जब सब सर दोनों के मिलावे सब करके ओकरा अच्छा से ऐसे करके ओकरा सूखे देवे के चाहिए तब फिनाल में देखबा ऐसे होवे है फिनाल हो मतलब सूखल ने बा अच्छा से ओकरा सूखे देवे के चाहिए तब इहु पागई होई ऐसने सूख जाए तब ओकर फिनाल ओकरा पकावब से फू में तो जैसे कि देखत हो वजह है हमने के फू हो और ये हमरा गर्व हो वेला है बोले के कि है आरटीआई के सबसे बड़ा है मोरिस के सबसे बड़ा फू है तो जब हमने क्ले यूज़ करके जब हम जिसों एगो पुफलिया बनावत हैं सर जब हाउ सूख जाला ओकर सबसे प्रमिये अफेयर जो करे के चाहिए ओकरा फू में पकावे के चाहिए अब सब क्ले के डिफरेंट टेम्परेचर में पकेला जैसे कि हमने जो यूज़ करी ला सा स्टोनवेयर ओकरा 250 डिग्री ले सकब से पकावे तो सकब जा देखे है जा कितना काम बा जो अभी पक गल बा ओकरा निकाल के तब ओकरा दूसरा स्टेप में जो ओकर दूसरा स्टेप है तब हाउ करे के चाहिए सीख
देखे के जब मौका मिलेला त कोनो उमीर नहीं देखे के चाही, वकील दिलचस्पी होवे के चाही। और हमनी के साथ एगो ऐसन चाचा हवन जे 3 करोड़ 6 बरिस के हवन और साथ साथ उ पॉटरी आर्ट पॉटरी कला सीखे के वो अपन दिलचस्पी दिखावता। सबसे पहले नमस्ते चाचा जी। नमस्ते अभी जी। चाचा जी, अब सबसे पहले अपन बारे में तनिसन बतियावत, आपके नाम और कौन काम करत हला? हमारा नाम बस सत्यदेव बाहुआ, हम पागलमस की निवासी है और हम 42 बरस हम पुलिस ऑफिसर रही, पुलिस फोर्स में काम कर लिए है। और उकर बाद में ये हमारा लोकल कि हम अचानक कुछ करे के जीवन में रचनात्मक कार्य अचानक करे के वही थोड़ा बहुत हम यहाँ पर आवत है और ये सब कार्य में तनि सुन प्रोत्साहित हुआ थे, आगे बढ़ रहे थे जीवन में अचानक बोले के। हमने की बतावा चाचा कि है कढ़ाई कर ली हुआ, एक बारे में तनि सन बतावा था। ये बात बा कि हमने के जीवन में जिंदगी में प्रारंभिक जीवन में अचानक बोले के सिविलाइजेशन जब से शुरू होल बा तो छाना बोले कि है ये मिट्टी के बर्तन से ही सब शुरू होल बा। और एगो तत्व जो हमें के शरीर बनल है वो है मिट्टी, और मिट्टी के जो हम सेवन करब सतह छाना बोले कि बहुत सेहतमंद है और हम के स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। हमने के ये बतावा कि कब से आप पॉटरी और पॉटरी कला सीखे के आप शुरू कर रहे हुआ और काहे आप अन्य कला के प्रति नहीं दिलचस्पी नहीं दिखेला, खाली पॉटरी कला पर ही काहे? तो छाला बोले कि एगो 4-5 महीना से शुरू कर सब सीखे के और इमें छाला बोले कि हमरा कि एगो बहुत सुकून सा मिलेला, मन के शांति मन के चैन मिलेला और यहाँ पर आए लगता छाना बोले कि अपन सब कुछ हम अपन फिकिर तनावग्रस्त हमार जीवन सब कुछ हम एकदम से हम भूल जाए अपन जीवन में, तो ये वास्ते छाना बोले कि हम बहुत खुशी है अपन जीवन में। हजा ई बात के पुष्टि हुआ था हमने के जो चाचा हवन सत्यदेव वो एगो रिटायर्ड पुलिस अफसर बते और वो अब ऐसन ऐसन काम करता पॉटरी आर्ट पॉटरी कला के दौरान जे में ओकरा मन के शांति मिलता। अब चाचा हमने के बतावा कि ऐसन काम करे के कितना कितना समय लगेला और काहे कि आप बर्तन ही पर ज़्यादा दिलचस्पी ज़्यादा मतलब जोर देवत हुआ? हाँ, ऐसा एगो कढ़ाई बनाए के छाना बोले कि एगो 1 महीना ऐसे लगेला एक छाना सुखाए के सब और कंपेरिजन करब दूसर बर्तन से जैसे एल्युमिनियम सब वो सब पॉइजनस है उतना नहीं अच्छा है सेहत के लिए। और मिट्टी के जो कढ़ाई है इसमें पकाइब कुछ तो ओकर जो नैसर्गिक क्रिया है वो सब बरकरार रहेला, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही एगो वरदान समान छाना बोले के जीवन में। जितना हमने के जो लोग इ बखत है कार्यक्रम दिखाता मंजा उन लोग का खासकर ऐसे नौजवान हवन सा जे उन लोग नहीं जाने लन सा कि एग्जैक्टली मैं कौन सी करे के चाहिए कौन प्रकार की कला सीखे के चाहिए, उन लोग तो निशन कंफ्यूज हवन सा, तो उन लोग के कौन संदेश देबा? संदेश यही बा कि छाला रचनात्मक कार्य छाला ध्यान लगाए के जीवन में और यहाँ पर लीजिए आई बात ये सब सीख जीवन में और सब सीख के सब आगे अपन जीवन में आगे बढ़े ऐसा काम करे ऐसा चीज बनाए और सब एक बिजनेस सब शुरू करे अपन जीवन में सब अपन अपन जीवन यापन अपन परिवार के भरण पोषण बहुत कुछ सब करे जीवन में आगे बढ़े के जीवन में। कहे कि आप एगो एंटरप्रेन्योर जेकरा ठेकेदार बोली ला सा सब जा बने ऐसा काम के सिखला से
जो बिल्कुल है जा ई पॉटरी आर्ट के जो कार्यशाला बाते पॉटरी कला अपन आप में बहुत ही सुंदर बाते और ई कार्यशाला में एक से बढ़कर एक जो हुनरबाज बाते है जा काम करत हवन सा और ओकर भीतर के जो हुनर बाते है जा देखे के और सीखे के भी हमनी मौका हमनी के मौका मिलल बाते हमनी के साथ माइला हवन ओकर संगे हमनी बतियाब सा। सबसे पहले नमस्ते माइला। नमस्ते अभी। हमने के बतावा कि अब ई बखत है कौन सी करत हवा और ई गमिलवा में कौन सी बाती ग्लेजिंग। डोंक ग्लेजिंग से अ स्टेप्स डॉन ला पॉटरी से ले दूसरे स्टेप एन प्रीमियर ऑन फे ले बिस्किट फायरिंग एन दूसरे ऑन वियन एप्लिके एन मेलांज डो ए डे पाउडर डे वेर की वा नू परमेट्र डे डिम्परमेबिलिजे नो पीस ce qui va ensuite nous permettre de mettre de l'eau à l'intérieur et de pouvoir boire dans les pièces qu'on a fait, si par exemple on a fait un mug. Il existe différentes couleurs de glazing, il existe différents oxydes. Elles ne sont pas tous safe pour la nourriture et donc il faut toujours bien se renseigner avant d'utiliser un glazing. हैजा ई बात की पुष्टि हुआ था कि ग्लेजिंग भी पॉटरी आर्ट के एगो तकनीक बाते और है तकनीक अपन आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बाते काहे कि अगर है ग्लेजिंग वा निमटे से नहीं करबा तो जो प्रोडक्ट बाते वो क्रैक हो जाए माने कि ओकर भीतर में टूटल फूटल के जो मार्क बाते वो सकी लौकी। जी बिल्कुल आज बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते काहे कि पॉटरी कला जेकरा हमने बोलीला सा कुम्हार के चाक के कला अपन आप में बहुत ही वैज्ञानिक बाते एगो थेरापी नियन बाते और बहुत कुछ इमें सुकून जैसन अनुभूति की भी भावना मिलेला। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमने के जितना जन हुनरबाज बाते आज बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते। तो हुनरबाज कार्यक्रम ई बखत समाप्त हुआ था बकेर आप भी ऐसन कार्यक्रम में सगबजा दिलचस्पी दिखावे और आवत सप्ताह फिनो से एगो नया विषय लेके आवब सा तबले अभी उदय के बगल से सब कोई के नमस्ते।